वेल हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। मैं रेडी हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज 10-12 दिन हो चुका है मैंने वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मेरे को दूसरा काम भी करना पड़ता है यार, क्योंकि अभी YouTube से कुछ नहीं मिलता है तो दूसरा काम तो करना पड़ेगा ना। सो इसीलिए थोड़ा गैपिंग ज्यादा है, मेरे को भी पता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि गैपिंग थोड़ा कम करूँ। फिर मैंने कोशिश चलता रहेगा, कम से कम वीकली 2 वीडियो तो डालूँ ना। तो इसी कोशिश में लगा हो तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, फिर अच्छा लगेगा ना, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, और अभी ना गुवाहाटी का ऐसा वेदर कंडीशन है कि कब बारिश होता है, कब धूप निकलता है, कुछ पता नहीं चलता। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज जो लोकेशन में मैं जाऊँगा उधर मैं अपना घर का गाड़ी लेके जाऊँगा, क्योंकि बारिश से तो बचना है ना। फिर भी देखिए पूरा काला काला हो रखा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो इसीलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और दोस्त लोग भी वेट कर रहे हैं, तो चलिए लोकेशन में चलते हैं। सो मैंने चाबी ले लिया, अभी चलते हैं लोकेशन में। और लोकेशन में आप लोगों को जब पहुंचूंगा तब बताऊंगा, तब दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो आप लोग देखते रहिए, मैं अभी निकल रहा हूँ इधर से। चलिए, बहुत दिन से गाड़ी टच नहीं किया है, अभी पता नहीं स्टार्ट होगा कि नहीं, तो अभी थोड़ा स्टार्ट करके देखते हैं, होना तो चाहिए। दोस्त लोग भी रुका हुआ है, अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। वाह, एक ही क्लिक में स्टार्ट हो गया। चलिए चलते हैं, चलो चलो चलो। अच्छा हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, अभी देखना पड़ेगा क्या है। कुछ तो है कि गाड़ी मूव नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी। रुकिए, देखते हैं उतर के। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं जा रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं क्या हुआ है। शायद शिट, ये क्या हो गया। कल शाम से आज मॉर्निंग हो चुका है और मैं इधर ही हूँ। अब लोग देखो, ये गाड़ी इधर ही खराब है, मैं ठीक से रख भी नहीं पाया इसको। और कल ना मैं दोस्तों को ये प्रॉब्लम बताया मेरा कि मेरा ये गाड़ी खराब हो चुका है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या भले क्या खराब हुआ है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो कल रात, कल सुबह शाम को इवनिंग टाइम में मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को इतना गंदा वाला पहला ना, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब अपलोड होगा वो लोग देखेंगे तो सॉरी वो तो ज़रूर बोलेंगे, तब मैं उनको पहलूँगा। इतना गंदा वाला पहलूँगा ना, जिंदगी भर याद रखेंगे सालों। और आप लोग देखो ये क्या हो गया। देखो, ये कल शाम को ही मैंने ये जैक लगा के रख दिया था, क्योंकि ये टायर पूरा पंक्चर हो चुका है। और दूसरा वाला टायर में इस ये वाले फ्रंट टायर का देखो, दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड के। ये देखो, ये देख रहे हो ना, पूरा खींच के इसका अंदर का माल निकल गया है। ये देखिए आप लोग, इतना खिसा हुआ है ये टायर, तो अभी चेंज करना पड़ेगा ये सब। तो अभी खोलते हैं वो वाला टायर को, खोलेंगे उसके बाद इसको ऐसे इसको ठीक करके ना, इसको ठीक करके ला के फिर इसको लेके जाएंगे, तो पूरा टायर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी टायर को खोल लेते हैं, खोल लेते हैं। चलिए,
तो सारा स्क्रू खोल लिया है मैंने, ये देखिए अभी इसको निकालना बाकी है, इसको निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। So, देखिए अभी मैंने टायर खोल लिया है और अभी हालत बहुत खराब है, देख ही सकते हो आप। और हम लोगों का सूरज भैया को देखो, ऊपर कुछ पार्टी चल रहा होगा इसीलिए इतना तेज धूप निकल रहा है। ओए भैया थोड़ा कम करो, नीचे भी आदमी है और नहीं ठुक गया। तो चलिए अभी टायर को लेके जाते हैं और बनवा के लाते हैं। इसको उठाना पड़ेगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं पंक्चर रिपेयर के दुकान में और ये देख रहे हो यही है मेरा पूरा प्लानिंग का चौपट बना कर रख दिया है, इसके वजह से मेरा कुछ पूरा प्लानिंग चौपट हो चुका है। ये घुसा हुआ था, ये देख रहे हो ये स्क्रू है। सो आके पहुंच गया घर, अभी इसको लगाना भी पड़ेगा। इधर एक स्क्रू घुसा हुआ था उसको निकाल लिया और ये क्या कुछ गम टाइप का कुछ लगा दिया है, तो इसको अभी फिर से फिट करना पड़ेगा। और इसको बोला था थोड़ा कम करने के लिए, कम नहीं कर रहा है, देख लेंगे उसको भी जब बारिश देगा ना तब देखेंगे कितना लेवल है तुम्हारा, है ना। चलिए अभी इसको लगाना भी है। और ये वाला ब्लॉग तो ऐसे ही चला गया क्योंकि मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन भी नहीं था, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर जाएंगे घूमने। तो पहले इसको लगा लेते हैं फिर थोड़ा सा आपसे फिर से थोड़ा बात करते हैं। और हाँ, जो लोग मतलब सबको पता ही होगा जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा नया चैनल है, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हो रहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, मेरे को एक कमेंट करो यार नीचे, मेरे को भी पता चले ना कहाँ से आप लोग देख रहे हो, मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, तो कमेंट ज़रूर करना ठीक है। लग गया एटलीस्ट, फाइनली टायर लग चुका है, तो अभी थोड़ा नहा धो लेते हैं फिर हो सके तो थोड़ा निकल जाएंगे घूमने के लिए। नया टायर लगवाया है भाई, मैंने खुद से लगवाया है, तो घूमना तो बनता है ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और जिसका दर था वेट हुआ, मैं निकल के गया था 2 मिनट जस्ट गया था और दूसरा टायर फट चुका था रास्ते में, पूरा ब्लास्ट जैसा फट गया था, तो उसको फिर से अभी ठीक करने के लिए आए है शॉप में, क्या करें अभी। तो जैसा कि उम्मीद था दूसरा टायर भी फट चुका था, तो उसको भी रिपेयर करवाया। आज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा मेरा डे, सो आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करने वाला हूँ आज। सो मेरे लिए आज शायद लकी डे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आज यही एंड हो जाए मेरा वीडियो। सो आप लोगों को ज़रूर बताना है कमेंट करके कैसा लग रहा है मेरा वीडियो देख के, तो ज़रूर से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू सून।